फ्रेंड्स, दिस इज रितिक, वेलकम टू आरपी स्पेशल क्वेश्चंस। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब किया है तो जरूर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरा फर्दर नोटिफिकेशन जो भी नया रेसिपी इसमें पब्लिश करूँगा वो आपको मिल सके। तो आई एम बेसिकली फ्रॉम उड़ीसा। उड़ीसा का एक स्पेशलिटी है, बहुत सारी डिशेज हम लोग क्या है मस्टर्ड बेस्ड बनाते हैं। तो उसमें एक स्पेशल डिश है चिकन का, मस्टर्ड चिकन, उसको हम लोग उड़िया में बोलते हैं चिकन बेसरो। तो आज वही बनाते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 750 ग्राम चिकन, आप देख सकते हो थोड़ा बड़ा बड़ा पीस ही लिया है मैंने। फिर मैंने लिया है चॉप्ड ओनियन, चॉप्ड टोमेटो, कुछ करी पत्ता, हल्दी पाउडर, चिकन मसाला। फिर लिया है मैंने 1 टेबलस्पून ऑफ व्हाइट मस्टर्ड, 1 टेबलस्पून ऑफ ब्लैक मस्टर्ड, गार्लिक, ड्राई रेड चिली। इसका हम लोग एक पेस्ट बनाएंगे। फिर यहाँ पे लिया है 1.5 चम्मच जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, मस्टर्ड ऑयल और नमक। अभी ना हम लोग चिकन में डाल देंगे अराउंड 1 टीस्पून ऑफ नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। फिर इस पे डाल देते हैं 1 टीस्पून ऑफ हल्दी पाउडर, डेढ़ छोटा चम्मच जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, फिर 1 टेबलस्पून ऑफ मस्टर्ड ऑयल। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। नॉर्मली मैरिनेशन टाइम में जब हम लोग मस्टर्ड चिकन में मस्टर्ड ऑयल डालते हैं ना, चिकन का स्मेल बहुत ही सही आता है, बहुत ही अच्छा आता है। अब ये मिक्स हो गया है। नेक्स्ट हम लोग ना मस्टर्ड का पाउडर पहले बनाएंगे, फिर उस पर गार्लिक और रेड चिली डाल के उसका एक पेस्ट बनाएंगे। पहले मस्टर्ड का पाउडर बना लेते हैं। बन गया है पाउडर। इस पे डाल देंगे 3 ड्राई रेड चिली, फिर 8 से 10 क्लोव ऑफ गार्लिक, इसमें मिला लेते हैं 4 से 5 चम्मच पानी, फिर इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। बन गया है अपना मस्टर्ड वाला पेस्ट। अब चलते हैं गैस स्टोव की तरफ। स्टोव पे मैंने कढ़ाई ले लिया है। अब इस पे ले लेते हैं 2 टेबलस्पून ऑफ मस्टर्ड ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद इस पे ले लेते हैं 1/2 चम्मच सौंफ, फिर 1/2 चम्मच जीरा। मैं वहां पे सौंफ और जीरा बोलना भूल गया था। दिस इज द प्राइमरी थिंग ऑफ मस्टर्ड चिकन। इसे फ्राई करेंगे फॉर ऑलमोस्ट 10 to 15 seconds। फिर ले लेते हैं चॉप्ड ओनियन। 2 बड़ा ओनियन को मैंने बारीक से कट कर लिया था। अब ओनियन को फ्राई करेंगे फॉर ऑलमोस्ट 2 to 3 minutes ताकि ओनियन का कलर थोड़ा लाइट ब्राउन कलर होके चेंज हो जाए। ओनियन फ्राई हो गया है। अब ले लेते हैं 15 से 20 करी पत्ता, फिर इसे ऑलमोस्ट 1 मिनट के लिए फ्राई करते हैं। फिर ले लेते हैं चॉप टोमेटो। 1 टोमेटो को मैंने बारीक से कट कर लिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। नॉर्मली मस्टर्ड चिकन में मसाला ज्यादा नहीं डलता है। अभी हम ओनियन और टोमेटो को फ्राई करेंगे फॉर ऑलमोस्ट 3 to 4 मिनट। तो चलिए लीड बंद कर लेते हैं। अब ले लेते हैं 1 टीस्पून ऑफ चिकन मसाला। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे। फिर हम लोगों ने जो चिकन मैरिनेट करके रखा था ना,
उसे यहाँ पे ले लेते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं इसे। अभी ना हम लोग चिकन को कुक होने के लिए देंगे फॉर अनदर 12 to 15 minutes। तो लीड बंद कर लेते हैं, फ्लेम को मीडियम में ले लेते हैं। हमें ना बीच बीच में ऐसे सॉटे करना चाहिए, नहीं तो चिकन जलने की चांसेस है। चिकन को हम लोगों ने कढ़ाई में लेके ऑलमोस्ट 15 मिनट हो गया है, चिकन भी ऑलमोस्ट 70% कुक हो गया है। यू कैन सी इट, कलर भी अच्छा आया है। अब यही सही टाइम है, हम लोगों ने जो मस्टर्ड का पेस्ट बनाया था ना, उसे यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को मीडियम में ले लेते हैं, फिर वही ब्लेंडिंग जार में थोड़ा सा पानी लेके वही पानी यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। चलिए अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, फिर चिकन को कुक होने के लिए देंगे फॉर अनदर 10 मिनट्स। ग्रेवी तो बहुत सही दिख रहा है मुझे अभी से, तो अभी यहाँ पे डाल देते हैं 2 slitted ग्रीन चिली, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, फिर इसे कुक करेंगे फॉर अनदर 2 to 3 minutes। वाह, क्या सही खुशबू है, उड़ीसा का याद आ गया। तो बन गया है अपना मस्टर्ड चिकन और इट्स रेडी टू सर्व नाउ। सो फ्रेंड्स, और उड़ीसा स्पेशल मस्टर्ड चिकन तैयार है, रोटी के साथ तो मजा ही आ जाता है। यू ऑल्सो टू ट्राई दिस एट योर होम। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। दिस इज रितिक साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। Thank you.